because you know he's actually मुझे मैं बड़ी नर्वस भी हूँ बिकॉज वो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं और सो लेट्स सी इमान हेलो Hi, Minal. How are you? Can you hear me properly? Yes, I can hear you. How are you? I'm very well. How are you doing? Thank you Good. So much for having me at your Quarantine with Minal show. I hope you're enjoying, Hannah. It just started. I have a very strong feeling we will have a good time with the audience also. Okay. So, how do you feel about this whole situation right now and everybody's taking apart yahan par every celebrity jo kar sakta hai apni routine share kar rahe hain trying to you know keep all the people entertained so what are you doing these days to you know for myself or for the community for your fans of course for both of you I think sabse pehle to ye ek nayi cheez aayi hai insta pe live jana very rarely gone live in the past lekin I think this is the seventh session wow seventh session in the last 8-9 days so I think jab bhi is tarah ki aapko opportunity milti hai ki aap kisi public platform pe koi baat kar sako to wo aisi baat honi chahiye jo ki aapki audience ke liye service ho aur usse wo koi inspiration ya koi idea ghar leke ja sakte ho jo ki unki life ke liye behtri la sakta ho So I think Insta पे live जाना would be एक चीज जो कि एक नई development है मेरे लिए और उसके अलावा as हम सब घर में lockdown है so to keep on working on myself अपने ऊपर काम करते रहना अपनी अपनी weaknesses अपनी खामियों को देखते रहना अपने goals और visions को बार बार redefine करके देखते रहना कि कहाँ जाना चाहते हो where do you want to go where do you see yourself in the next one year because इस वक्त तो हम इतने dark times में हैं कि even after one month you have to see कि आप किधर होगे after one month or two months exactly ये बात है और मेरा actually एक सवाल आपसे यही था कि is this the time जहाँ आप सबसे ज़्यादा dark अभी you know in this darkest time are you feeling very alone these days like बाहर सब कुछ बंद है काम में because you know we are actors hum log ko itni aadat hoti hai kaam karne ki logon se milne ki aur hamari routines thodi si alag hoti hain so how are you feeling these days like you know aapko kya lagta hai aap akele ho gaye ya or you needed this I think in a way we have gone back in time jab hamari zindagi itni masroof nahi hui thi aur hamare paas kisi aur cheez ka time nahi tha tab hamare paas yahi time hua karta tha aur रियलिटी चेक मिला हम सबको और इतनी एक तरह से अनसर्टेनिटी एक तरह से घबराहट है हर जगह फियर है स्ट्रेस है एंजाइटी है सो इसके अंदर आप इस माहौल के अंदर आप क्या कर सकते हो आप सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो और उम्मीद कर सकते हो कि चीजें बेहतर होंगी और इन द मीन टाइम सोशल डिस्टेंसिंग जो कि प्रोटोकॉल हमें एक दिया गया है एक प्रोसीजर दिया गया है उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये जो भी वबा है ये सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से ही स्लो हो सकती है इसको अभी ना तो हमारे पास वैक्सीन है कोई इसकी ना तो हमारे पास कोई इसका हल है सो द ओनली थिंग दैट कैन स्लो डाउन इज सोशल डिस्टेंसिंग एंड स्टेइंग एट होम एंड आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग दैट बिकॉज़ हम तो कर रहे हैं कोशिश थोड़ी थोड़ी लेकिन बट आई होप कि सब कर रहे हो सो आई एम गोना स्टार्ट माय क्वेश्चंस ठीक है मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे से सवाल निकाले हैं कुछ उसमें फनी क्वेश्चंस भी हैं कुछ आपसे रिलेटेड हैं और आपको उसके बड़े अच्छे अच्छे से मुझे जवाब देने हैं ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन यू स्टार्टेड फ्रॉम बीइंग अ मॉडल देन एन एक्टर टेल अस अ बिट अबाउट यू नो उसकी ट्रांजिशन क्या थी ओके ट्रांजिशन ये थी कि 18 साल पहले आई स्टार्टेड माय मॉडलिंग करियर और उस वक्त मैं आई वाज स्टडिंग व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन आई वाज आल्सो वर्किंग कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सो ऑल दिस टाइम मॉडलिंग जो थी फ्रंट लाइन या प्रायोरिटी पे नहीं थी आई वाजंट डूइंग इट फुल टाइम यानी मेरी पहली प्रायोरिटी कुछ और था और सेकंड प्रायोरिटी पे शायद मॉडलिंग थी एंड आई वाज नॉट वेरी पैशनेट अबाउट इट आल्सो मैं उसको फुल टाइम करियर आप कह सकते हो कि
शायद मुझ में हिम्मत भी नहीं थी, वो करेज भी नहीं थी कि मैं उसको फुल टाइम करियर उस वक्त लेता। 2012 में जब 9-10 साल हो गए थे मॉडलिंग के सिलसिले को, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से भी रिजाइन कर चुका था, तो वहां से एक मैंने कमर्शियल किया आसिम रजा के साथ, और एक इंस्पिरेशन और एक आइडिया आया कि व्हाई नॉट एक्टिंग। एक्टिंग एक ऐसी चीज है कि इस तरफ अगर इफ आई अप्लाई माई फोकस, इफ आई अप्लाई माई हार्ड वर्क, डेडिकेशन, तो देयर इज समथिंग दैट आई कैन डू। और हमेशा से एक परफॉर्मर बनना चाहता था, यानी हमेशा से एक क्रिकेटर या फुटबॉलर बनना चाहता था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि बहुत सिमिलैरिटीज हैं एक एक्टर और एक स्पोर्ट्समैन में, बहुत सिमिलैरिटीज हैं। सो आई एम ग्लैड कि मैंने ये डिसीजन लिया। और व्हाट आई लव अबाउट एक्टिंग इज कि इट्स ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन एंड योर पर्सनल ग्रोथ। आपकी जो भी सलाहियत या आपके जो भी टैलेंट्स हैं वो आपकी पर्सनालिटी में है, जिस तरह आप बात करते हो, जिस तरह आप अपने आप को कैरी करते हो, जिस तरह आप जो भी आप काम करते हो वो आपके क्राफ्ट को और एनहांस या निखारता है। सो मैंने बहुत ही कॉम्प्रेस करके आपको ये बताया है, मॉडल से एक्टर की ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन का, श्योर बहुत बहुत कॉम्प्रेस एक करके। बहुत ही मुश्किल सा सवाल था और इसका जवाब भी आपने दिया, लेकिन इट्स नॉट इजी. मतलब काफी काफी सारी चीजें हैं. आई आई थिंक कि एज एन एक्टर अगर मैं भी कभी कोई शूट करती हूँ तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी. वहाँ पर मतलब यू नो हाउ मॉडल्स डू इज डिफरेंट, और एक्टर्स मेरे अंदर शायद इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता. थोड़ा आपको आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बहुत जरूरत होती है इस चीज में, व्हाट आई फील. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन फॉर यू. मिनाल मिनाल बिफोर वी गो अहेड, एक्टिंग के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना आपका एक्सपोज होता है और किसी चीज में नहीं होता मेरे ख्याल में। वो किसी चीज में नहीं होता, बट यू नो इट्स अ डिफरेंट जॉब. मॉडलिंग इज अ डिफरेंट जॉब एंड एक्टिंग इज अ डिफरेंट जॉब. व्हेन व्हेन यू आर एन एक्टर हाँ एंड डूइंग एक्टिंग और आपको उसमें मॉडलिंग करनी पड़ी, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर एज वेल. सो इट्स बेसिकली डिफिकल्ट फॉर बिल्कुल, बोथ ऑफ देम, राइट? कोई भी नया काम करना आसान नहीं होता आई थिंक। यानी आप कोई नया स्किल अगर आप करना चाहते हैं, उसको उस पर कमांड लेना चाहते हैं, तो पहले 5-6 बार तो आपको बिल्कुल, जिस तरह जब ये लॉकडाउन हुआ तो पहले 5-6 दिन तो हम सबके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आदत होगी हमें। सो कोई भी नया काम, वो कहते हैं ना कि कोई भी नॉवल्टी जब आती है तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये ठीक कह रही है, हर हर चीज के स्किल सेट्स डिफरेंट होते हैं, हर चीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है. एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज हाउ इम्पोर्टेंट इज अ बॉडी लैंग्वेज फॉर यू एज एन एक्टर? एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। बहुत से एक्टर्स होते हैं जो नहीं भी इस चीज को इतना फोकस नहीं करते, तो वो दिखना भी शुरू हो जाता है आफ्टर आफ्टर थोड़ी सी टाइम के बाद. बट जो फेमस एक्टर्स हैं दे ऑल यू नो डू डिफरेंटली. अगर हम मैं एक्टिंग पे बाद में आता हूँ, लेकिन मैं बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ी पहले बात कर लेता हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसको कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज को। नॉन वर्बली हम बहुत सी चीजें अपने बिहेवियर से अगले इंसान को बहुत सी चीजें पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। और नॉट जस्ट इन एक्टिंग, इफ यू गो इन टू अ रूम एंड यू ऑब्जर्व पीपल, सो यू कैन टेल अ लॉट अबाउट द पर्सन, हाउ ही और शी इज कैरिंग देमसेल्व्स। कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैरी योर सेल्फ विदाउट देम स्पीकिंग लाउड या विदाउट देम इंटरेक्टिंग विद समथिंग। आप बहुत सी चीजें उनके बारे में एनालाइज कर लेते हो विद द वे दे आर कैरिंग देमसेल्व्स। एक्टिंग में बहुत सी चीजें होती हैं जब हम डायलॉग्स नहीं डिलीवर कर रहे होते, एक कैरेक्टर कैसे अपने आप को कैरी करता है, बहुत सी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हम कम्युनिकेट करते हैं। सो आई थिंक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर एन एक्टर। हाँ, अब मैं आपसे एक फनी सा सवाल करने वाली हूँ, ठीक है? उसका जवाब भी आपने मुझे थोड़ा सा फनी देना है, ठीक है? बिकॉज़ अब मैं ढूंढ रही हूँ. आई विल टेक फ्यू नेम्स और आपके दिमाग में जो भी आता है आपने सबसे पहला वर्ड बताना है, ठीक है? नो चीटिंग, कुछ नहीं, दूसरा बस पहला, फर्स्ट. सबा कमर, फर्स्ट फिर से प्लीज। सबा कमर, वेरी गुड एक्ट्रेस, ताहिर शाह, यू नो हिम, आई टू आई, ठीक हाँ जी, शॉक वैल्यू, है? और जेलन, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क,
एंड आबिस रजा. ये फनी नहीं था, वेरी गुड डायरेक्टर. मैंने सोचा कि मैं कुछ फनी भी ऐड कर सकती हूँ इसमें बीच में, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है. वेरी गुड एंड अ वेरी जॉली डायरेक्टर. अच्छा, आप ना मुझे ये बताएं कि हम सबको पता है कि यू आर वेरी मच इनटू म्यूजिक, आप बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं, पसंद करते हैं, तो आजकल आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है?